मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा नीम करोल के संस्मरण सुना रहे हैं हमारे रब्बू दादा। तो सुनिए रब्बू दादा की दूसरी सीरीज, रब्बू दादा की जुबानी। दादा राम राम। राम राम। मित्रों, महाराज जी के अनन्य भक्त की श्रृंखला में मंजुल कुमार जोशी का नाम है। और देखिए, एक बेटा, एक बच्चा क्या मांगता है और क्या पाता है। भारतवर्ष में सबसे बड़ी डिग्री पढ़ाई की है आईएएस, तो कैसे बने मंजुल आईएएस, सुनिए दादा की जुबानी। मेरा छोटा भाई मंजुल कुमार जोशी उससे 15 साल छोटा है, तो जब उसका जन्म हुआ, थोड़ी सी बसें भीगी तो इलाहाबाद में, तब तक पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था। महाराज आते थे, पिताजी जाते थे। ये एक सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता था जी, और बहुत ही शरारती आया था उसको, तो चंचल था, चपल था बहुत जी। तो ये जब कभी वो करता था तो ये तांगे में जाता था। उस टाइम में स्कूल में तांगे में 6-7-8 बच्चे मोहल्ले के भेजे जाते थे, तो सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता था। और ये साथ में खुद तांगा चलाता हुआ सवेरे सवेरे श्री सिद्धि मुखर्जी के वहाँ जाए और अपने सारे दोस्तों को महाराज ख्याल से जलेबी मंगवाए जी, जलेबी खिलवाए। हाँ। उसके बाद फिर तांगे वाले ले जाता था उसको, वहाँ तक तांगा चला के खुद लाता था। तो बचपन से ही हरपन मौला था, तो ये तांगे वाला आईएएस बना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसको, अब माँ भी हमारे परिवार की अंतरंग वो थी, आती थी मंजुल के पास, हमारे घर आती थी, तो मंजुल से प्रणाम करता था, प्यार प्रेम करता था। उसके बाद जो है इसको महाराज जो है मेरी माँ से कहते थे, हम तीन भाई हैं जी, तो मैं हूँ रब्बू, छोटा भाई बब्बू वीरेंद्र कुमार जोशी, मैं रविंद्र कुमार जोशी और मंजुल। तो महाराज मेरी माँ से कहते थे, रब्बू और मंजुल मेरे, बब्बू तेरा, बब्बू तेरा। तो माँ कहती थी, ऐसा क्यों महाराज, बब्बू क्यों नहीं, ना रब्बू मंजूर मेरे, बब्बू तेरा, बब्बू तेरा। अब बब्बू तेरा माने देखो, वो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध, बड़ा भक्त भी है, लेकिन वो अहम ब्रह्मास्मि वाला है, मैं ही हूँ, विवेकानंद ब्रांड है वो जी। तो बहुत ज्यादा अनुराग नहीं रहा उसको, तो नहीं जाता था, प्रसाद भी नहीं खाता था। तो अब धीरे 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 मंजूर कुमार जोशी का पढ़ा हुआ, एमए किया, फिर वो आईएएस में बैठा। आईएएस में बैठने में दो तीन बार असफल रहा। उस टाइम जनता पार्टी भी आ गई थी जी, कुछ अन्याय भी होता था, कुछ गड़बड़ भी होता था जी जी, तो नहीं हो पाया। रिटर्न में आया, प्रैक्टिकल में नहीं हो पाया, उस टाइम प्रैक्टिकल भी बड़ा जरूरी हुआ करता था जी। तो मेरी माँ ने सिद्धि, तब तक महाराज की शरीर लीला हो गई थी जी, मंजूर का भक्ति बनी हुई थी जी, लेकिन वो शरीर लीला महाराज ने कर दी थी। अब थोड़ा बाल सुलभ बेहद भी हो जाते हैं जी। तो मेरी मदर जो है माँ के पास गई, सिंधी माँ के पास, कि भाई महाराज कहते थे रब्बू मंजूर मेरे, बब्बू तेरा, तो मंजूर का तो हो ही नहीं रहा, बड़ा दुखी है बेचारा, नौकरी भी नहीं लग रही। तो माँ ने कहा उसको यहाँ भेज दे। तो माँ ने अपने कमरे के ऊपर वाले कमरे मंजूर को रखा, कैंची में, कैंची धाम में। हाँ जी, वाह। और 6 महीने रखा, उससे कहा कि तू सिर्फ जब महाराज की आरती होगी तब तो नीचे उतरेगा, उसके पहले जाके पढ़ेगा। देखिए, लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अपने घर में रखा माने, और अपने सर पर रखा, सर के ऊपर रखा, और उसके बाद उसको मजाई करी उसकी। फिर मंजूर आके दिल्ली में आके उसने पीसीएस का इम्तहान दिया जी। तो 84,000 स्टूडेंट बैठे थे उस बार में जी। महाराज तो मंजूर ने वो दिया, और देने के बाद जो है वो महाराज फिर बुला लिया उसको वृंदावन में। वृंदावन में थी मैं उस समय आश्रम में जी। तो मंजूर को लेके सवेरे सवेरे निकली, तो अपने कमरे से मंदिर के प्रांगण में आई, हनुमान जी के प्रांगण में। तो माँ ने कहा कि मंजूर तू हनुमान जी से कहते मुझे फर्स्ट कर दो। तो मंजूर को जगा, हनुमान जी को तो जगा। मंजूर ने कह दिया कि हनुमान जी मुझे फर्स्ट कर दो। नहीं, जोर से बोल, जोर से बोल, जगा के बोल उनको। मंजूर ने जोर से कहा हनुमान जी मुझे फर्स्ट कर दो। फिर बात आई गई होगी, माँ ने कर दिया। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, मंजूर कुमार जोशी ने
पीसीएस टॉप किया। अरे वाह, 84,000 स्टूडेंट में प्रथम स्टूडेंट था 1980 का पीसीएस टॉपर। हाँ जी, फिर उसके बाद वो मेरी बहू है रीता जी, वो मेरी छोटी साली, जब मेरा ब्याह हुआ था तो वो 9 साल 10 साल की थी जी, तो वो बेटी के स्वरूप हो गई। तो हम क्या करते थे, माता जी की जब भी आती थी वो मदद करने आ जाती थी जी। हमारे साथ कैंची चली जाती थी, हमारे साथ अलाहाबाद गई, वहाँ माँ के दर्शन किए उसने, वो महाराज माँ की प्रेमी हो गई थी जी। तो मैंने कहा कि जब ये अच्छा बड़ी हो गई जब, मैंने कहा भाई इसका साथ मंजूर से हो जाए, तो मैं गया उनकी पूछने के लिए माई के पास, सिद्धी माँ के पास। उसने कहा माँ से पूछ, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, वैसे हो जाए लेकिन अपनी इजा से पूछ, अपनी माँ की मर्यादा होती है। मैंने माँ से पूछा अपनी मदर से, माँ ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, दो बहनों भाइयों को कैसे जा सकती है। मैंने कहा रामचंद्र जी की 4 बहनें वो नहीं थी, सब बहनें थी जाती, बहुत बढ़िया, तो ब्याह हो गया। आज दोनों बहुत सुखी है। मंजूर कुमार जोशी हर घर में उसके रुकी, कहती थी मंजूर से तेरे घर का तेरा ईमानदारी का खाना है, ईमानदारी मुझे पचेगा जी, तो रहती थी। अब आईएएस कैडर प्राप्त हो चुका है, पिठौरागढ़ में जाके छुप जाती थी उसके घर में जाके, 15-15 दिन रहती थी, अलीगढ़ में छुप जाती थी, बरेली में आ जाती थी जी। अब वो फिर आईएएस कैडर में आया, फिर आईएएस कैडर होने के बाद उसको फिगर हो गई कि मेरा अब बड़ा ईमानदार अफसर था। तो उसको मैंने कहा कि उसको ये हुआ कि मेरा घर नहीं बना है, मेरा बड़ी बेटी का ब्याह नहीं हुआ, ईमानदारी में ये सब नौकरी नहीं उठाना पड़ता, छोटी बेटी की नहीं हुई। अब वो एक दिन क्या हुआ, ऋषिकेश में माँ बैठी थी, तो मैंने कहा माँ इसको ये फिगर हो रही है, मैं आशीर्वाद दे दूं, तो माँ से मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली। पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंने कहा चल प्रणाम कर, प्रणाम किया, मैंने कहा तथास्तु जा तेरा घर बन जाएगा। फिर माँ से मैंने कहा माँ इसको बड़ी लड़की की तकलीफ हो रही, इसको आशीर्वाद दे दूं, मैंने हाँ कहा, कर प्रणाम चरणों में माँ के, फिर मैंने कहा तथास्तु। फिर मैंने कहा माँ ये रिनी जो है इसकी जो छोटी लड़की है इसका नौकरी नहीं लग रही, ब्याह नहीं हो रहा, आशीर्वाद दे दूं, हाँ। फिर चरणों मैंने कहा रख चरण, इतना मतलब मजे का ड्रामा हुआ, मैंने कहा तथास्तु हो जाएगा सब काम, मैंने कहा हो जाएगा। आज मंजूर कुमार जोशी का अपना मकान हो गया है, ईमानदारी का पैसा, क्यों जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी ने बुलाया और कहा जोशी जी आप इस मेरा जो है ये डिपार्टमेंट संभाल दो, एक ट्रिब्यूनल में उसको जज बना दिया जी, और 6 साल के लिए पक्की नौकरी कर दी, फिर उसी तनख्वाह में उसी बंगले में जी। तो देखिए फिर 1.5 लाख रुपया तनख्वाह हो गई, आज मंजूर कुमार जोशी का मकान भी बन गया, मंजूर कुमार जोशी एक दोनों लड़कियों का ब्याह भी हो गया, बड़े अच्छे संपन्न घरों में गई है, तो ये कृपा है माँ की। मित्रों आपने देखा कि महाराज जी से, महाराज जी की भक्ति भावना से, माँ सिद्ध माता की भक्ति भावना से, सिद्धि माता पूज्य सिद्धि माता की भक्ति भावना से ये परिवार इतना उत्प्रोत है कि एक आईएएस अधिकारी अपनी बेटी की शादी की चिंता के लिए, अपने निवास की चिंता के लिए, रिटायरमेंट के बाद अपना एक मकान होना चाहिए वो चिंता होती है, वो चिंता कब आती है जब पूरा जीवन तपस्या तपस्वी की तरह होता है। पूरे सर्विस काल में जो उन्होंने एक चीज याद रखी, ईमानदारी की, और वो भी हुआ आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। तो मित्रों ऐसा ये परिवार तपस्वी परिवार है, आप यकीन करिएगा कि यदि आप अपने वेतन से अपना घर का काम चलाते हैं, अपने घर के अपने पर्सनल संबंध खर्च करते हैं, तो ये तो पक्का है कि आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने ऐसे भी आईएएस देखे हैं, पीसीएस देखे हैं, जो घोटालों में जेल गए हैं और जिनके पास अनाप शनाप संपत्ति है। मित्रों यहां मैं कहना चाहूंगा कि खाने को दो रोटी, तन को कपड़े और सिर छिपाने को अगर छत मिलती है तो ये रहीशी का एक प्रदर्शन भी कह सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सफिशिएंट, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, जाए हो इस श्रृंखला पर आप अपनी जिंदगी भी डालिए, अपनी नई पीढ़ी को भी सुधारिए। मैं मंजुल जोशी जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ईमानदारी भरी जिंदगी जी, उन्हें मकान भी मिल गया, बच्चियों की शादी भी की, थोड़ी कठिनाई में की होगी निश्चित रूप से, लेकिन पूरे परिवार का सहयोग मिला, बड़े भाई का आशीर्वाद मिला। तो मित्रों ये मंजुल जोशी को ईमानदारी भरा अंक
मैं मंजुल जोशी को समर्पित करता हूं, इस आशा के साथ कि आपकी जो नई पीढ़ी है वो अधिकारी बने, व्यापारी बने, लेकिन देशभक्त बने और ईमानदारी का ये जज्बा मंजुल जोशी जैसा हो। राम राम। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।